नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। ये उस समय की बात है जब दास प्रथा हुआ करती थी। एक लुकमान नाम का दास बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। जब ये बात उसके मालिक को पता चली तो उन्होंने लुकमान को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे तो भाई बहुत चर्चे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा दो और अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें हमेशा के लिए आने वाली पुश्तों को गुलामी से छुटकारा मिल जाएगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जाओ और मरे हुए बकरे का जो सबसे अच्छा अंग है वो लेके आओ। लुकमान गया, कुछ समय के बाद आया और मालिक के सामने उसने बकरे की जीभ रख दी। उन्होंने बोला, ये क्या, ये सबसे अच्छा अंग है? उन्होंने बोला, अगर उसके अंदर जीभ अच्छी तो सब कुछ अच्छा। उन्होंने बोला, जाओ और अब उसके अंदर जो खराब अंग है वो लेके आओ। वो गया और फिर वो एक जीभ लेके आ गया, फिर वहां रख दी। उन्होंने बोला, ये क्या, तुम फिर से जीभ उठा के ले आए? उसने बोला, अगर जीभ खराब तो सब कुछ खराब। लुकमान ने कहा, मालिक जीभ तो सबको मिलती है जन्म जात, लेकिन बात करने का ढंग किसी किसी को ही आता है। कब बोले, कैसे बोले, कहां बोले कोई नहीं समझता, कुछ भी किससे भी कैसे भी बोल देते हैं। जुबान तो सबके पास है लेकिन मधुरता किसी किसी के पास है। किसी को कोई अपना बना लेता है इसी जुबान से और कोई किसी को कोई दुश्मन बना लेता है इसी जुबान से। हमारे भारत का जो विनाशकारी सबसे बड़ा युद्ध महाभारत युद्ध हुआ वो इसी जुबान का ही परिणाम है। मालिक ने कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, अरे ठीक है तुम्हें तो मैंने आजाद किया। तो दोस्तों, हमने भी इस कहानी से सीखा कि जुबान बहुत अच्छी है और जुबान बहुत बुरी है। इस जुबान ने बहुत कहर डाले हैं और इस जुबान ने दुनिया को अपना बनाया है। इस 6 इंच के 6 फुट के शरीर में 3 इंच का ये यंत्र जुबान, ये बहुत कारगर है। ये कभी मीठा बोलता है तो सब अपने पास आ जाते हैं, तीखा कर्कश बोलता है तो कोई अकेला इंसान रह जाता है। तो आइए हम अपनी थोड़ा जुबान पे काम करें, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करें। काम की जरूरत है, मधुरता लाएं, चीनी खाने से मधुर नहीं होंगे, जुबान में मधुरता लाएं, बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की, कुछ शब्दों की। तो अपनी जुबान में मधुरता लाएं और दुनिया को अपना बनाएं, अकेले ना रहें कर्कश बोल के। नमस्कार, जय हिंद।